subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सिंह जी की शहादत को नमन करता हूँ। आज के इस खुदगर्ज दौर के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, किसानों के लिए, उनके मन में इतनी पीड़ा है कि वो इतनी बड़ी सुप्रीम सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जो पत्र लिखकर वो शहीद हुए, उस पत्र में उनका दर्द था कि मुझसे किसानों का दर्द देखा नहीं जा रहा। वो रोज़ सिंघू बॉर्डर पे आया करते थे, किसानों के लिए जैकेट कंबल रोज़ लेके आया करते थे, और जब किसानों की वो पीड़ा उनके लिए असहाय हो गई तो उन्होंने ये शहादत दे दी। अभी तक 20 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन को भी 20 दिन हुए हैं तो लगभग रोज़ एक किसान इस आंदोलन में शहीद हो रहा है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि और कितनी शहादत और कितनी जान आप लोग लोगे उसके पहले कि आप इस देश के किसानों की बात सुनोगे। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेज़ों के समय एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था 1907 में। उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। पंजाब में आंदोलन हुआ था, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आंदोलन। वो आंदोलन भी 3 कानूनों के खिलाफ था। अंग्रेज़ों ने 3 कानून पास किए थे, बारी दोआब एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट, पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट। और पंजाब के किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, 9 महीने तक ये आंदोलन चला था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो एक तो ये केंद्र सरकार ये ना समझ ले कि ये किसान आसानी से जाने वाले हैं। उस आंदोलन की लीडरशिप की थी भगत सिंह के पिताजी ने, किशोरी सिंह जी ने, और भगत सिंह के चाचा ने, अजीत सिंह जी ने। उन दोनों ने मिलकर एक भारत माता निर्माण सोसाइटी बनाई थी। उस सोसाइटी की लीडरशिप के अंदर वो आंदोलन हुआ था इन 3 कानूनों को खारिज करवाने के लिए। उस वक्त भी अंग्रेज सरकार ने कहा था थोड़े अमेंडमेंट कर देते हैं। कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए थे। अंग्रेज सरकार ने कहा कि इसमें थोड़े बदलाव कर देते हैं, लेकिन किसान डटे हुए थे कि हमें 3 कानून वापस करवाने हैं। और अंत में अंग्रेजों ने 3 कानून वापस लिए थे। मैं सोच रहा था कि भगत सिंह ने क्या इसी बात के लिए कुर्बानी दी थी कि जब देश आज़ाद होगा तो अपनी सरकारों के खिलाफ भी इसी किस्म से आंदोलन करने पड़ेंगे। आज़ाद भारत के अंदर भी इतने लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। आज कितने किसान हमारे सिंघू बॉर्डर के ऊपर सुप्रीम सैक्रिफाइस दे रहे हैं। एक एक किसान भगत सिंह बन के वहाँ पे बैठा हुआ है। केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानून समझ नहीं, कानूनों का फायदा समझ नहीं आता। तो केंद्र सरकार ने अपने सारे बड़े दिग्गज नेता, जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनको उतारा है कि समझाओ, और वो समझा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन 3 बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका भाषण, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, तुम्हारा ये, अरे भैया ये तो था ही हमारे पास, फायदा क्या है? तो इनसे किसी से पूछ लो, ये भी इतने सारे बैठे हैं, किसी से पूछ लो, किसी भाजपा वाले से, कि फायदा क्या है? वो बता रहे हैं कि आ रहा हूं मैं उस पर, फायदा और नुकसान दोनों, नफा नुकसान बताऊंगा, चिंता ना करो। तो
इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही कहते हैं ना ये। तो एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, मैंने आप लोगों जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं आज धान का MSP 1868 है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको MSP से ज्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है, कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। अब हमारे देश का किसान पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, वो देश का किसान कहीं भी नहीं बेचेगा। उनको भी पता है कि कौन बेचेगा, उनसे पंजाब में खरीदेगा, उत्तर प्रदेश में उनसे 800 रुपए में बेच के वही बड़े बड़े पूंजीपति इतनी महंगाई कर देंगे कि वो पूरे देश के अंदर इसको महंगा बेचेंगे। ये किसानों के बेचने के लिए कानून नहीं बनाया गया। तो कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फायदा। वो पूरे भाषण में वो भाषण था इसी बात के लिए कि किसानों को बताना है कि इसका क्या फायदा है। आज सुप्रीम कोर्ट में केस था, कल भी था, हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा जी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आज अगर अभी केंद्र सरकार एक घंटे में इनकी मांग मान ले धरना उठ जाएगा। धरना क्यों नहीं उठ रहा, धरना इसलिए नहीं उठ रहा केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार तो का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूँ तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम किसके लिए करो। किसान इस देश का निर्माता है और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे, दलालों की वकालत करोगे। एक कई लोग मुद्दा उठा रहे थे कि कोरोना काल में ऑर्डिनेंस क्यों पास किया गया, ऐसी क्या जल्दबाजी थी। अभी यह कानून शायद 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के वहां पे राज्यसभा अध्यक्ष ने पास 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 करके पास कर दिया, जबकि पूरा हाउस चिल्ला रहा था। जैसे आप यहां बैठे हैं कई बार हाउस चिल्लाता है, आपने तो कभी बिना वोटिंग के कोई कानून पास नहीं किया। अगर हाउस चिल्लाता है आप 10 मिनट के लिए एडजर्न कर देते हो, फिर दोबारा बैठते हैं, फिर हाउस ऑर्डर में आ जाता है, फिर वोटिंग कराते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना वोटिंग के अंदर तीन कानून बस पास पास कर दिए अध्यक्ष ने और पास हो गए, कोई वोटिंग नहीं कराई इसके। ऐसी क्या आफत थी कि ये कानून पास कर दिए गए। पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया, कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। तो अध्यक्ष महोदय मैं इसका समर्थन करता हूं और ये तीन कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने Jai Kisan! Jai Kisan!
इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले उस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ, तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले। अगर